भाई ये जूते कितने का है? उनको किस चीज सा है? उनको एंटोर्क से है। उनको एक काम कर, एंटोर्क जमा कर दे, शूज ले जा। और ये भी बता दूं किसने पहना है? किसने पहना है? अरे सबसे बॉलीवुड का फेमस आदमी सलमान खान। तो मतलब ऐसे करके पहन लो। मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे कहीं कई बार होता है ना, हम कहीं जा रहे हैं, हाथ पैर लगाने की जरूरत नहीं और पहन लिया, ट्राई हो गया बंदा, शूज हो गया। तो अपनी कितने की शॉपिंग हो गई है? ये होगी 10,000 से प्लस होगी। तो भाई गिफ्ट, हाथ मिलाओ। तो यहाँ देख लो, अपन ने इतनी सारी थैली ले ली, ठीक है, दो जूते इसमें, तीन जूते। तो भाई आज सुबह व्लॉग की शुरुआत हुई है, ठीक है, और हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आ गए। अपने घर के इधर जिम पार्क है, और जिम पार्क मतलब जिम है पीछे। तो अभी कितने का टारगेट है? 36। फोर्टी टू का टारगेट है। मैं भाई इधर हूँ, भाई अपने बैटिंग कर रहे हैं, कैप्टन भाई अपने उधर आनंद भैया। चलो अब तो बैटिंग दिखाते प्रॉपर, देखते रहना। ओ भाई दे दिया, दोनों तो तुम्हारा भाई गलत शॉट खेल के आउट हो गया, लेकिन कोई नहीं भाई। कितने मार दी होगी अपन ने साथ मिलके? 33। हम दोनों ना 33 की पार्टनरशिप, दो ओवर में। हाँ दो ओवर में भाई। ये देखो हमारे सामने अंकल सुबह सुबह रात वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। खेल के आने के बाद देख लो, मम्मी यहाँ पे अपना काम कर रही है। मम्मी क्या कर रही है? अरे गमला वमला का सफाई कर रही हूँ। हाँ ये तो, और ये देख लो भाई यहाँ पे फगू माय बॉय, तो कपड़ा बना दे, देख लो कितना सही लग रहा है। कपड़े वो बोलना उसको मंगा देगी स्कूल में। हाँ नहीं कपड़े देखते हैं ऐसे कुछ ना, आपके कपड़े मंगा देंगे हम ही, ऑनलाइन देख लूंगा, वरना शॉपिंग करने चलेंगे। तुम बताना शॉपिंग वाली वीडियो सही रहेगी नहीं रहेगी। हाँ हाँ ये तो है, इसका दाना स्नैक्स वगैरह सब मैंने ऑर्डर कर दिया। क्या क्या कुछ आया आज? अच्छा स्नैक आया, इनके थोड़े मंगा दिए मैंने। मैं मंगा लेता हूँ कि यार क्या बार बार शॉपिंग करने जाए, ऑनलाइन भी आ जाना चाहिए ना। अरे पग्गू यार सुबह के 9 बजे गया था मैं खेलने, अभी यार मान लो 1 बजे नोट आया था, 1 घंटे मैंने रेस्ट किया और मेरा पूरा शरीर टूट गया एकदम। फास्ट बॉलिंग डाली मैंने, पता नहीं बॉलिंग क्लिप तुम लोगों को मैंने दिखाई देगा, क्योंकि बैटिंग की मैंने रिकॉर्ड कराई थी, ठीक है, देख लो बोले भी जा रहा अच्छे से। तो इतना मतलब यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, बहुत टाइम बाद खेला तो यहाँ नहीं होता ये वाला, काफ भी नहीं बोलते, काफ मसल तो पीछे होते, तो ये वाला जो होता है ना यहाँ पे। तो बस 10 से 15 मिनट में हम निकल रहे हैं, और निकल कहाँ रहे हैं तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा वीडियो का, भाई थोड़ी एलर्जी का मैं थोड़ा माफ़ कर देना, अभी कुछ मिनटा की बात है बस, ठीक है। हम आज अपने यार दोस्तों को जूते गिफ्ट करने वाले हैं, फुल गोवा के पहले की शॉपिंग, क्योंकि तुम जानते हो सर, तुम लोगों को पता है अपन साल के एंड में मुंबई टू गोवा ट्रिप मारते हैं खतरनाक, ठीक है। तो उसके लिए यार दोस्तों को जूते भी चाहिए थे, मुझे भी थोड़ा चाहिए था, तो घर के लिए भी देख लूंगा मैं, तो बढ़िया से मतलब जूतों की शॉपिंग करनी है। इसलिए आज अपन बहुत टाइम बाद बढ़िया बढ़िया जूते देखने जा रहे हैं, और मतलब जैसे पहले नहीं दिखाते मैं बहुत सारे जॉर्डन एडिडास के एकदम सस्ते रेट में जूते, बहुत ओरिजिनल नहीं ऑफ कोर्स। और बस निकलने वाला 10 मिनट में, और यहाँ देख लो ये मेरे एक स्टड्स भी आ गए हैं, ठीक है, थोड़ा तुम्हें दिखाता हूँ, ये देख रहे हो इधर, मुझे तो लग रहा था मेरे कान भर गए हैं, पर ठीक है चला गया अंदर। थोड़ा स्टड्स पहनने का अपने को शौक है इसलिए यार पहन लेते हैं। बाकी ये देखो ये मैंने चार्जर मंगाया USB वाला बी टाइप, क्यों? क्योंकि यार ये जो अपना स्पीकर है बहुत टाइम से डिस्चार्ज पड़ा हुआ है मेरे पास ना, पहले था मेरे पास चार्जर पर पता नहीं कहाँ खो गया, तो इसलिए मैंने ये अपना USB वाला मंगाया, क्योंकि इसमें USB ही डलता है। ये देखो भाई मेरे बगल में, एक मिनट कूड़ा चाहिए तो BJP को वोट दो, क्या है इसके आगे, सफाई चाहिए तो केजरीवाल को, भाई लिटरली उन्होंने कूड़े का पहाड़ बना रखा है। और भाई आपको वोट मिलेगा इस बार पक्का, मेरी तरफ से फुल ऑन सपोर्ट, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं एग्रेसिव कैंपेनिंग, लिटरली भाई मतलब जैसे बोलते हैं ना वो मुंह का तमाचा तुमने देखा जो सामने वाले पड़ता है, वो नहीं है, ये घूम के आएगा एकदम, ये दूर से आ रहा है, सीट आने वाली है। BJP को पता है कि नहीं जीत पाएगी लग रहा है। अच्छा उसकी कैंपेनिंग करता है। और भाई आज यार ऐसा कैसे हो गया, कुणाल भाई कितनी जल्दी आ गए,
आज काम की चीज है ना भाई। आज क्या है, आज भाई नाराज धोनी दे सकते मुझे, ठीक है। आज यार भाई को मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। भाई क्या गिफ्ट कर रहा हूँ वैसे बता दिया पब्लिक को। जूते तो भाई कितने दिनों बाद से बोल के गिफ्ट कर रहा है। आमीन तो ये है कि अभी जाके स्पॉन्सर मिला। सच बोल दिया। नहीं लेकिन हाँ, जिससे मैं जिन भाई से मैं जूते लेता हूँ उन्हीं भाई का जाना है। और कहते हैं कि मैं अब हाँ सोच पा रहा हूँ कि हाँ भाई यार इसलिए जल्दी आए हैं, वरना भाई 10 से 15 मिनट शगुन का लगा देते टाइम की। हाँ बेटा वेट कर, सेलिब्रिटी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। चलो अब यहाँ से तुषार को पिक करेंगे और फिर अपन जूते लेने चलेंगे, बढ़िया बढ़िया वैरायटी जूते की दिखाएंगे। तुम बताया मैंने ना। अरे तुषार भाई मुझे ये बता, तू ये ऑफ कैमरा क्यों बोलता है, इतना ऑन कैमरा क्यों जाता तेरे को? तू मुझे बोल रहा है कि भाई सारे जूते तू ही लेगा, कुणाल भाई कुछ मिलने नहीं वाला, क्या सही बात है ये? क्या अरे कुणाल को क्यों देना है कुछ? क्यों 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 नहीं देना भाई, दोस्त नहीं अपने? क्या चेला कुणाल भाई क्या बोल रहा है? एक्सप्लिसिट कंटेंट हम दे नहीं सकते व्लॉग में, इसलिए भाई रुक गए। मैंने भी चेला तभी बोला ना, चल से कुछ और बोल रहा था। अच्छा अच्छा क्या बोले? चाचा बोल रहा हूँ। चाचा बोल रहे होंगे क्योंकि पापा तो यहाँ है। और कुछ अच्छा इसलिए नहीं बोलता व्लॉग में कि बेइज्जती जाती है यार। हाँ भाई रैपर अभी भी नहीं बोलूंगा, अगर तू सोचा से प्रोवोक करके बुलवा लेगा तो। मेन क्या है कि देखो भाई, अपना सीधा शॉप में पहुंच के तुम्हें वैरायटीज दिखाएंगे, फिर ही तुम्हें इन दोनों की ना वो दिखाएंगे मेन। उसमें मजा आएगा, ये जूता मेरा है, ये पसंद मुझे आ रहा है। सड़क पे कहीं और रुक जा, सड़क पे कहीं अद्दा मिल जाए तो रोक दियो, लाल के लिए रखूंगा पहले ही। क्या करेगा फिर? तो देखो यार ये दुकान है अपनी शू फ्लोर, ठीक है। मैं पिछले 2-3 सालों से मतलब मेन के लॉकडाउन में नहीं आ पाया मैं यहाँ पे, पर लॉकडाउन लग गया 2 साल का लॉकडाउन भाई। अरे अरे कैसे कर रहा है? पर हम स्टार्टिंग से आपसे ही शूज लेते हैं ना भाई, बढ़िया क्वालिटी। तुम देख लो मोती नगर भाई दुकान खोल रही है, अब शिफ्ट कर दिया ना। और यहाँ से अब कहाँ शिफ्ट होगी? यही रहेगी मोती नगर में, सामने शॉप कर रहे हैं। अच्छा सामने की ओर होगा। तो भाई मैं देख रहा हूँ आपके वैरायटी जूतों की तो है, इसके साथ साथ मतलब कपड़ों वगैरह की। तो चले अंदर देखे फिर, आओ भाई अंदर देखते हैं फिर कैसे क्या है। और भाई एक्साइटेड? हाँ भाई फुल गोवा शॉपिंग। पर भाई ने काफी ज्यादा वैरायटीज अब ले आया यार, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देख लो, ये स्वेट शर्ट हुडीज वगैरह भी आ गई हैं। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ जीन्स एयरपोर्ट में ले आया, मतलब कैसे? मतलब देखो भाई की मोनोपोली जो थी ना वो शूज में थी, तो जैसे शूज चले वैसे भाई। अब घड़ी ये देखो, मेन घड़ी वड़ी की डिस्प्ले देख लो, कितनी बढ़िया बढ़िया घड़ियां इधर। और हमें तो क्या है कि देखो गोवा के लिए कुछ बड़ी शॉपिंग करनी है, जैसे मैंने भाई से पूछा आते ही कि यार भाई 12 नंबर साइज जूते है कि नहीं। भाई वैसे 12 नंबर तो होते नहीं है, 7 से लेकर 10 तक होते हैं, पर ऐसा है तो मैं निराश नहीं करेंगे, दे के जरूर भेजेंगे कुछ ना कुछ। क्या होता है कि ना देखो अपना दिल तो है भाइयों को गिफ्ट करना, पर ये कहीं ना कि मजबूरी भी आती है कि मेरे को जो भाई नहीं रहे, तो चलो भाइयों को ही भेंट करें यार, भाई है अपने। मुझे कुछ वैरायटीज दिखाना चालू कर दो, और सबसे पहले यूनिक दिखाओ कुछ कि यूनिक जूते कौन से। भाई आप भी थोड़ा इधर आओ, तो हमारे पास सबसे थोड़ा फ्रेम में आओ, अगर देखना है तो यूनिक। ये कौन सा जूता है? बैलमैन का। अच्छा मैं वो पहनता हूँ, एक स्वेटर था आता है, मतलब इनकी सब जगह है ना। एक अभी एक वीडियो आई थी वायरल चल रही थी काफी ज्यादा, जिसमें इसका नाम तो ना जूते जी रख के, मतलब कि इसकी सिक्योरिटी वगैरह ऐसा वीडियो बनाई के भाई ये जूते कितने का इनको किस चीज से है, एंटोर्क्स है, एक काम कर एंटोर्क्स जमा कर दे, शूज ले जा। मतलब इतने महंगे शूज है, यानी कि इस शूज के अंदर एक एंटोर्क आ जाएगी, कहने का मतलब ये तो। और वो तो चलो तुम भाई के पास से लोगे तभी तुम्हें एंटोर्क के उसमें पड़ जाएगी, वरना भाई तुम्हें फिर पता नहीं नैनो बेचनी पड़ जाएगी ऊपर है। तो अगर हम बात करें भाई ये वाला कितने का पड़ रहा है आपके पास? 13,000 का रखा है। 13,000 का पड़ रहा है, ठीक है। तो 13,000 में मतलब प्रॉपर, और डिजाइन कितना खतरनाक है, हमें तो शब्द से ही बंद हो गए। बलमैन का डिजाइन नहीं होगा तो, और ऊपर से इतनी मोटी इसकी वो है, हील सी लग रही है। छोटे होते हैं ना उनको ऊंचा करना होता है, जैसे कोई पहुंच नहीं सकता ना मास्टर पेटो के बराबर, तो शूट ले लो और पहुंच जाओ सीधा पहुंच जाओ। तो ये कितना साइज का अवेलेबल है? ये अभी 7 से 9 साइज है। 9 नंबर का है, तो भाई पसंद आ रहा है, इधर आओ भाई शॉपिंग किसके। अरे तुम नहीं, तुम पीछे जाओ तभी तो यहाँ पे, इधर आओ। तो कुणाल भाई मेरे साथ, तुषार भाई मेरे साथ, भाई अपने साथ। भाई ये बताओ ये वाले पसंद आ रहे हैं या अभी इसको होल्ड में करके और देखे, क्योंकि ये सही लग रहा है ना। लेकिन चलो ठीक है, ये भाई लोग ऐसा तो पूछ भाई को जैसे चाहिए। तो अगर भाई आप गोवा जा रहे हो ना तो ये वाला शूज लो। गोवा में रनिंग करने जा रहा हूं मैं, आपको गोवा के मतलब नॉन रनिंग के लिए ये देख लो, ये भी मैं कलर इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि गोवा के अंदर देखो इनको ना थोड़ा सा बाकी अगर स्टाइल में चाहिए तो देख लो, जोड़ल वगैरह के अंदर भी काफी सारे शूज। जैसे भाई आप मुझे बता दो कितने स्टार्टिंग हो रही है अपने पास, फिर हम थोड़ा सा शॉपिंग वाले उस मोड पे आएंगे। अब ये पांडा है सबसे ज्यादा चल रहा है, इसको देखो इसमें फर वगैरह सारे लगे हुए, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है इसकी। अरे क्वालिटी सारी 7 ही मिलेगी, टॉप क्वालिटी। अच्छा तो ये कितने का पड़ जाएगा? ये है 2200 रुपए का। 2200 रुपए का, मतलब वही वाले अपने ऑप्टिमल रेट चलते हैं 1800 से लेकर 2500। ओके
तो ये वाला सही, इसके कुछ कलर वैरायटी दिखाओ भाई आप लोग जरा पार्ट ले। ये देखो बोल रहे पार्ट क्या, हम तो जूते ही लेंगे सीधा। तो ये सारी मतलब 1800 वाली वैरायटी है, ये 2200। अच्छा 2200 है, 1800 से मिलेगा ये तकरीबन 1800 2200। अच्छा मुझे लगा डिस्काउंट आपने पहले ही कर दिया। अच्छा अच्छा, तो ये वाले जो अपने डिजाइन है ये एयर वाले है ना, एयर जॉर्डन वाले। अच्छा तो ये भाइयों कैसे लग रहे हैं आप लोग बताओ भाई, बताओ भाई अब डिसीजन का वक्त है भाई, बोल लिया करे वीडियो में। तू तू नहीं है क्या? अच्छा इसको नहीं देने। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बांटेंगे। ओके तो अगर हम बात करें तुषार भाई, तू बता तो कौन सा कलर पसंद आ रहा है भाई? ब्लैक ही। ब्लैक में? हाँ। एक वैसे और भी वैरायटीज है ऊपर, देखो शिकागो वगैरह भी अपने पास, ये देखो अगर रेड कलर में चाहिए शिकागो। अच्छा जॉर्डन मोका देख लो। और भाई आपका साइज कितना है पैर का? 9 से 10 नंबर का। 13 सेम उतना ही। ओके तो ये तो अवेलेबल है आपके पास है ना। अच्छा तो भाई डिजाइन को दिखाओ यार, मैं तो कुछ काम नहीं सारा यहां पर क्या ना सैंपल लगा रहे हैं, साइज जो है ना मैं अभी गोडाउन से लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार ना आप फिर देखो, ये लोग तो चूज करते हैं, आप ग्रो थ्रू करवा दो क्या क्या वैरायटीज अपने पास, जैसे कि ये अपनी एयर वाली हो गई, ये जो ये रेट्रो 4 में आ गए, रेट्रो 5 है, विंग्स हो गया इसमें। अच्छा तीन कलर, ये बड़ा सही लग रहा है यार। ओके पर मैं एक चीज देख रहा हूँ यार, ये जूता देखो तुम, ये कितना यूनिक जूता है, इस जूते के अंदर छोटा सा बैग भी मिलता है, देख रहे हो क्या यूनिक वैरायटी। ये कितने का है? ये 3000 रुपए का है, इसमें दो कलर मिलेंगे देखो। इसके अंदर आपको ओरिजिनल बॉक्स मिलेगा, इसके 4 लेसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, कैरी बैग मिलेगा और हाँ। जो इसका पांडा का डैश कवर बैग होता है वो भी। पर भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं कि जूते में छोटा सा बैग भी आ रहा है। नहीं आते हैं उसमें आपको क्या कहते हैं, जैसे बेड बनी हो गया इसके अंदर भी आपको तो मिलेगा इस तरीके से। ये जरूरी है, ये बेड बनी है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लेसेस मिलेगा, इसका ऊपर का यहाँ जो टैग लगाते हैं वो मिलेगा। और आप भी देखते रहो भाई, जैसे मैं ये वाले देख रहा हूँ, ये वाले कितने के हैं? ये वाले जूते मुझे अच्छे लगते भाई, ये क्या बोलते हो आप? अरे थोड़े ज्यादा इससे अच्छी क्वालिटी होती है जहाँ तक मेरे को पता। हाँ ये वाली अच्छी क्वालिटी आपके हिसाब से ना, तो आपको पसंद आ रहा है ये? क्योंकि अगर मुझसे पूछूंगा मुझे तो ये कलर और ये लुक वगैरह सब बढ़िया लग रहा है इसका स्टार्टिंग से। गोवा के अंदर जा रहे हो तो सबसे पहले गोवा में थोड़ा चटक वाइब तो होनी चाहिए ना यार, बीच में जाके कहीं बैठा तो अच्छा वो पता लगे कि भाई बीच में भाई जूते पहन के जा रहे हैं, वो भी थोड़ा बुरा है ठीक है। लेकिन भाई अरे यार ये जूता आप डन कर रहे हो फिर? अरे तो पहले दिखा देना लास्ट में बता देंगे। नहीं लास्ट नहीं, आपको कैसा लग रहा है? लग तो सही रहा है। तो देखो यार ये जो जूता है ना, ये भाई थोड़ा अभी इसमें कच्चा पक्का वाला मैटर है, भाई बोले सारी वैरायटी देते, पर भाई एक चीज मुझे जूता, एक जूता मुझे काफी यूनिक लग रहा है जो कि है ये वाला। आप ये बताओ इसके बारे में, ये क्या? ये लेब्रोन है, इसका जो पैर होगा ना दोनों तरफ, इस तरफ ये कलर होगा, दूसरा कलर का होगा, यानी कि लास्ट टाइम एक बार आया था आपको मैंने शूज दिखाया था लेब्रोन का दिया था। ओके तो वो भी ऐसे था, एक व्हाइट दिया था, एक ब्लैक दिया था। फैशन इन्फ्लुएंसर्स भी पहनते हैं ऐसे ही है, जैसे अभी एक ये शूज हो गया, इसका जो दूसरा पैर होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ वो है भी यहाँ पे, हाँ रखा होगा जरूर, नीचे रखा होगा, यानी कि मैं ज्यादातर डिस्प्ले पे एक एक लगाता हूँ ना, ये है इसका। पर ये कितने की है? ये 3800 रुपए का, 3800। तो क्या बोलते हो, इसे साइड रखवाएं मैं थोड़ा? इसको साइड में रखवा। अब देखो जो हमें पसंद आ रहा है ना धीरे धीरे साइड रखवा, फिर लास्ट मौके देखेंगे कौन सा नक्की करना है ठीक है। जैसे हम इसमें से ये वाला, ये वाला सही है या ये वाला? आप बताओ, ये वाला। तो ये और ये जूते ये हम थोड़ा अलग करवा रहे हैं, बाकी तुषार को देख लो शायद ये वाला कुछ अभी अच्छा लग, वैसे अच्छा है ये कलर भी अच्छा है। नहीं ये सिंपल में वो बेस्ट है, ये थ्रोस टाइप का होगा, रैपर टाइप होगा, फुल जी शिट एफ सी डी, नहीं सॉरी डी सी डी द्वारका। ये कौन सा जूता है यार डेनिम वाला, मतलब इतना कन्वर्स है, बिग डैडी मोशन जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे चल रहा है, जैसे अभी एक सिंगर्स ने भी पहना था। किसने पहना था ये? और वैसे तो मूवी का स्टार ने पहना था वरुण धवन ने, कल मैं उसकी मूवी देख रहा हूँ। अच्छी अच्छी है, बाकी इतनी खास नहीं है, बस 3D में थी तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बाकी तो इतना मुझे मजा नहीं आया। मजा नहीं आया आपको? तो ये मतलब वरुण धवन ने पहने वाले जूते है ना, तो ये देख लो जूते वरुण धवन ने पहने हैं। और कितने की वैरायटी, कितने की थी ये? 3000 रुपए। 3000 रुपए की है। और क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिलेंगे, जैसे ये लॉन्ग हो गया भाई, मैं बता रहा हूँ अगर मेरे पैर छोटे होते ना ये इधर मुझे 3-4 जूते तो अभी मैं नक्की कह देता। मैं भाइयों के इधर टाइम नहीं लगा था कि भाई सोचूंगा बताऊंगा, मैं भाई सीधा डन आपको बताया अपन कैसे करते हैं ठीक है। अगर एक बार आया था लास्ट टाइम एक साइज था तो एकदम मिनट से पहले साइड कर दिया था। हाँ ये तो अपना साइज होता तो मिनट से पहले साइड हो जाता है, जींस में ऐसे ही होता है, मेरे साइज मिल जाती है मैं डन कर देता हूँ, नहीं देखता क्योंकि नहीं मिलता ना साइज जल्दी, यही तो बात है। पकड़ गए आप, समझ गई लड़की ठीक है। तो ये वाला भाई इसको साइड करना है,
चलो ठीक है इसको साइड करते हैं। और ये तुषार को पसंद आ रहा है और मेन ये जो है ना, हाँ इनको एक जगह रख दो कि लास्ट में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं मेरे समझ में आ गया, मैं सारे साइड कर दूंगा, कोई नहीं ठीक है। और भाई हमने एक चीज नहीं बताई, जैसे ये बालमन का जो आपने दिखाया था उसमें खतरनाक वाला, ठीक है, ये जूता बादशाह ने पहना था, बादशाह ने डाल रखा था, तो ये आपने बताया नहीं, ऐसा कैसे भूल गए आप ये चीज? बस ये काफी चीजें भूल जा रहा है, याद ही नहीं रह पाती। पर बादशाह और काफी सिंगर्स वगैरह पहनते हैं जूते वगैरह, मैंने क्योंकि रैपर्स में के आउटफिट में देखा है शायद हमारे इधर अपने सेवेंजर्स का नाम तो सुने होगा, सेवेंजर्स टीम जो आजकल वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने इसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसका नाम ही चेंज कर दिया, जूते जी बोलते हैं। उनकी वीडियो काफी अच्छी लगती है, जब भी उनकी वीडियो देखता हूँ ना तो जूता देख के मतलब ऐसा लगता है वो जूते का नाम पे जी लगा दिया गया, जूता जी। सारे तो बंदे बोलते हैं जूता 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 करते रहते हैं, लेकिन उसको क्या ना इस शूज का नाम इतना अच्छा ले, पर भाई ये लायक है यार, मतलब लग भी रहा है जूतों का, वो होता है ना जूतों का महाराजा या बाप, बाप जूता, जैसे हम क्या है बाप आदमी, अलग ही है एक शूज। तो ये तो यार देखो मैं लास्ट में डिसाइड करूंगा क्योंकि ये थोड़ा महंगा है, 13,000 यार एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार यहाँ पे जैसे ये वाली वैरायटी भाई ने दिखा दी और ये वाली अपनी बेसिक हमने पिछली बार भी देखी थी जॉर्डन्स की, ठीक है, इसमें कलर आपको मिलेंगे रेट्रो फोर में, ये देखो, अच्छा ये कलर मिलेंगे। और ये भी बता दूं किसने पहना है, किसने पहना है, अरे सबसे बॉलीवुड का फेमस आदमी सलमान खान, सलमान खान क्या बात है। तो ज्यादातर तो ना, तो मुझे लगता है तुषार भाई फिर ये जूता पसंद करेगा, सलमान खान ने पहना है, क्यों फैन हूं मैं सलमान खान का, मैं हूं सुपरमैन, सलमान का फैन, क्या बात है, बाहर आ गए, ठीक है। और मेन क्या है, थोड़ा कस्टमर्स आ गए, जैसे अपने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो भाई आपको पसंद आ रहे ना जूते, तो बढ़िया बढ़िया रखे हुए हैं, ये तो है तुषार भाई, ये थोड़ा सा खुलेगा ना टाइम के साथ, बस यार बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि ये मेरा कहीं ना बहुत फेवरेट जूता था जो कि भाई ने अरेंज करा दिया, ठीक है भाई। पर साइज कौन सा है ये? सबसे बड़ा साइज है 45, सबसे बड़ा 45, ठीक है, लेकिन अपने को थोड़ा बड़ा होता है, पर मुझे लग रहा है ये फिर भी 46 पहनते हो, लेकिन ये 45 आराम से पर आ रहे हैं, हाँ वही है, वही यार मेन देख लो, इस शूज में काफी इलास्टिसिटी, तुम लोगों ने पहले देखा भी होगा जूता, उसको निकालोगे तो और आराम से आएगा, और आराम से आएगा। चलो भाई फिर इसको मैं तो बोलता हूँ सीधा डन ही करेंगे अपन, आप जानते हो अपन कैसे है, सीधा चटक है ना, क्यों चटक चटक। तो इसका भी बता दूं किसने पहने है, हाँ ये बताओ आप किसने पहने, अक्षय कुमार ने मेरे पास सारी फोटो, खिलाड़ी 786 क्या बात है। तो अक्षय कुमार ने जो शूज पहने, अपन ये वाले शूज ले रहे हैं, ठीक है, अपन भी अपने एरिया के अक्षय कुमार बन जाएंगे, है ना, स्ट्रेट आउट ऑफ कनाडा, तो अच्छा पॉइंट था यार, ये आ तो रहा है पर इसमें ना वो वाली बात नहीं आ रही क्योंकि उसमें इलास्टिक था ना, तो थोड़ा सा पैर जकड़ लेगा वो, कंफर्टेबल थोड़ा टाइट टाइट सा लग रहा है। और ये साइज कितना है? साइज तो सारे मिलेंगे 7 से 10, मतलब अवेलेबल ना होगा 12 नंबर उनका, हाँ, छोटा नहीं, मतलब ये तो छोटा लग रहा है वैसे, गोडाउन में अवेलेबल सारे है तो सैंपल लगा रखा है, बाकी मंगाने पड़ते जैसे अंकल को चाहिए सिंपल। तो क्या बोलते हो आप, कौन सा सही रहेगा, क्योंकि व्हाइट वाला आपको याद है पिछला में ले गया था आपसे, व्हाइट कलर की, व्हाइट देखो अच्छा तो लगता है, अगर अंकल कुर्ता पजामा पहनते तो व्हाइट ले लें तो नेता लगेंगे, ये बात तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाले सिंपल एंड बेस्ट में है, बेस्ट तो बाकी एक है जैसे रेगुलर ज्यादा पहन रहे तो पहनते रहो, गंदा ना हो जल्दी से, या तो मैं सोच रहा हूँ एक ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, पर ये थोड़ा कलर ऐसा लग रहा है क्या कल को अंकल बोलेगा तो किस कहां से लेकर आ गया कलर उठा के, मेरे पापा का इस इंसान को बड़ा पता, मैं देख रहा हूँ कैसी कैसी डांट पड़ेगी, क्या डांट पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप बताओ फिर, मैं बोलता हूँ फिर ब्लैक वाला तो ले लो, या फिर अगर ग्रे में चाहिए तो ये ले लो, और आपको पसंद है तो ये चाहो तो ये, नहीं मैं सोच रहा हूँ ग्रे बढ़िया रहेगा आप, क्योंकि फिर वो चीज है कि ब्लू कलर में आ जाता है, ब्लैक थोड़ा ज्यादा एकदम डार्केश हो आता है, ग्रे में हर कोई कंफर्टेबल है, मैं आज पहन के नहीं आया वरना मैंने भी ले रखा है। अच्छा तो मतलब ऐसे करके पहन लो, मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे कहीं कई बार होता है ना, हम कहीं जा रहे हैं हाथ पैर लगाने की जरूरत नहीं और पहन लिया ट्राई हो गया ये बंदा शूज हो गया, और कहीं जा रहे तो आराम से उतार दिया इसको, अच्छा से इसका सोल ऐसे ऊपर आ जाता है, हाँ। यार ये इसको बोलते फोल्डिंग वाला शूज, फोल्डिंग वाले शूज है, अरे वाह देखो ना पूरा फिट हो गया, ना लेसेस बांधने की टेंशन ना लेसेस खोलने की टेंशन। तो भाई क्या बोलते हो, ये वाला सही लग रहे हैं? ठीक है भाई, बोल रहे इतनी वैरायटी तूने दिखा दी यार, सही सारे लग रहे हैं, कितने लूं यार क्या बोल रहे, कितने देगा, कितने देगा भाई तो देगा ये मैं तू तो लेता रहता है अब ना लास्ट मौका है, मैं 5 मिनट देता हूं आपको, वीडियो बंद करूंगा, आप अपने हिसाब से ना जो जूते आपको पसंद आ रहे हैं वो डन कर दो, फिर हम फाइनल देखेंगे कि फाइनल कौन से अपने वाले हैं, ठीक है,
तो देखो भाई का तो यार ये वाला जूता डन हो गया है, ठीक है। और ये अपने जॉर्डन्स ही हैं जो कि भाई ने डन किए हैं। क्या बात है जॉर्डन्स। तो भाई ये कितने के है? ये 2400 के। 2400। बाकी यार तुम्हें डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा अपनी तरफ से यार, फुल 10% है ना, वो तो होता ही है हर बार। और भाई एक जूता भाई का वाला डन है। और आप जो बोल रहे थे कि यार हम सबके जूते मिल गए, तो मैंने पापा के लिए बोलता हूँ मिल गया, वो दिखाओ एक बार। जैसे कि जो मैंने जूते मंगाए थे ग्रे वाले, इसका साइज भी मिल गया अपने को 10, ठीक है। ये देख लो 10 नंबर के हैं ये। और इसका प्राइस कितना है सिंपल में? इसका 1800 रुपये। हाँ ये रीजनेबल में है। और देख लो स्पोर्ट्स शू, तो ये पापा के लिए हमने डन कर दिया। एक अभी तक बताया तो एक ये डन हुआ है, एक अपना जूता ये डन हुआ है। और आप बता रहे थे, और हाँ ये तो मेरा वाला डन है ही। और एक आप बता रहे थे कि हमारे ग्रुप में कोई ऐसा ऐसी किस्मत बहुत ही खराब है जिसने तीन जूते बोले, वो तीनों की तीनों नहीं मिले अपने को साइज में। कौन है वो भाई? तुम खुद ही दिखा दो। तुषार मेरा भाई। अरे मेरी चॉइस वैसी है ना, थोड़ी खराब है ना। तो ये देख लो भाई ने यार ये वाला जूता पसंद कर लिया जो कि अपने पास था यहाँ पे, है ना। और ये तो जूता है भाई, तुझे कंफर्टेबल हो रहा है क्या? हाँ। और भाई बस इतना पूछ रहा है कि यार हम क्या क्या सीन क्या है, तुझे बहुत ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है क्या इसमें? हाँ। पर भाई देखने में तो क्या बोलते हो, सही लग रहा है? देखने में ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। क्योंकि इसका क्या सोल थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तुम देख सकते हो उसका जैसा लुक भी खराब है। पर हाँ इधर से देखो यार जूता कितना सही लग रहा है, क्या बात है यार। तो यहाँ देख लो यार अपन ने इतनी सारी थैली ले ली, ठीक है। दो जूते इसमें, तीन जूते इसमें, पेयर है ना। भाई खुश अब? भाई खुश, हम खुश। अब भैया की बारी, भैया जरा आप बता दो यहाँ पे कस्टमर्स कैसे आते हैं, रास्ता वगैरह जरा। यहाँ जो नियर मेट्रो स्टेशन है वो मोती नगर पास में ही है, तो अगर कोई मेट्रो से आना चाहे तो मेट्रो से आ जाए। मोती नगर के अंदर हमारी शॉप पड़ती है 3/32 जो कि 3 ब्लॉक के अंदर है। मैं लोकेशन प्रॉपर डाल दूंगा गूगल की। भाई ने इंस्टाग्राम में यार धुआं उठा रखा है, ठीक है। भाई अपने कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 2.5-3 लाख हैं। भाई के 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, अपने से भी बहुत ऊपर देख रहे हो ना, मतलब अपने खुद 118 के हैं। ठीक है भाई है नहीं, लेकिन भाई अब बताओ ना आपकी वीडियो कितनी व्यूज गई थी? आपकी वीडियो 22 मिलियन देख लो, मतलब भाई बहुत वायरल यार अपने इंस्टाग्राम पे है ही, ठीक है। तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ऑर्डर वगैरह अगर इंडिया से बाहर के हो तो इंस्टाग्राम के जरिए ऑर्डर दे सकते हैं। वर्ल्ड वाइड डिलीवरी आपकी? वर्ल्ड वाइड, क्या बात है। तो जो लोग बाहर से देख रहे हैं चीप रेट में आपको शूज के अलावा यार यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें ये वैरायटीज भी मिल जाएगी। जैसे कि ये सब मुझे पसंद आता पर साइज नहीं हो पाया यार। और घड़ी की बहुत वैरायटी है, ठीक है। घड़ी जैसे इस बार तो मैं नहीं, लेकिन भाई से मैं एयरपॉड जरूर गिफ्ट लूंगा। भाई आप मुझे एयरपॉड, हमारे यहाँ पर एक ऑफर भी है, जैसे कोई 10,000 की शॉपिंग करता है तो हम ये बिल्कुल फ्री देते हैं। अच्छा, ये सब ज्यादातर जो इंस्टाग्राम फैमिली देख रहे होगे उनको पता होगा कि ये फ्री कौन तो अपनी कितने की शॉपिंग होगी? ये होगी 10,000 से प्लस होगी, तो भाई गिफ्ट। क्या बात है, हाथ मिलाओ ऐसे ही। तो देखो ये अपने को गिफ्ट मिल रहा है, अगर उसको ना भी पता होगा ना तो मैं जरूर बताऊंगा कि 10,000 की शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, तो ये आपने गिफ्ट पर रखे हैं सारे? एयरपोर्ट ज्यादातर हमारे गिफ्ट में जाते हैं। अरे वाह यार, वीडियो डालता रहता हूँ ना मैं इंस्टाग्राम पे, तो वैसे तो 1800 रुपए का है, पर हाँ। कोई आए तो उसको 10,000 की शॉपिंग करते। तो भाई देखो सब कुछ ना बहुत चीप ने, चीप और रीजनेबल रेट में रखते हैं सामान सारा, ठीक है। और मेन क्या कि देखो तुम लोग जानते हो सब ये, इन सब की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ऊपर होती है, ठीक है। पर अगर देखो अगर तुम्हारी जेब अलाउ करती है उतने ऊपर वाले जूते लेने की या फिर सामान, तो तुम वहां से लो। अगर नहीं अलाउ करती तो यहाँ से कोई मजबूरी नहीं है ऐसी कि यहीं से लेना है। और ऐसे कोई मजाक भी नहीं उड़ाना भाइयों का कि यार भाई वो जूते इतने सस्ते कैसे दे रहे। भाई ने बता रखा है कि कौन सी क्वालिटी क्या है, जेब अलाउ करी तो ये लो, वरना भाई बगल में एडिडास शोरूम है वहां से ले लो। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात है भाई। भाई देख लो शॉपिंग हो गई है, सारा सामान भाई ने गाड़ी में रख दिया है। और अभी आप हम गोलगप्पे खा रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद। और अभी आगे से हमें बिरयानी भी खानी है। पूरा सोच रहा है मोती नगर की मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टी मिलता सब कुछ। ये देख लो ये अपनी बिरयानी है यहाँ पे। तो जैसे मैं कहा था मैंने ना मुरादाबादी मुरादाबादी हैदराबादी, पर भाई मुरादाबादी लेके तू हैदराबादी चख रहा है, तो ये कंफ्यूज क्या है तू? वो भी तो मुरादाबादी चख रहा है, वो तो मजबूर इंसान करना पड़ा ना चम्मच का हिसाब। बहुत टाइम से मैं सोचा था तुम लोगों को अपना मेंशन दिखाऊं, आज बारी है तुम लोगों में अपना बढ़िया एकदम $1 million का मेंशन दिखा दो, ठीक है, आओ मेरे साथ। ये इंपोर्टेड सीढ़ियां हैं स्ट्रेट फ्रॉम फ्रांस। कितनी है यार भाई, ये तो दुकान मिल रही है पूरी भाई एयरपोर्ट पे, कोई मेंशन मिला नहीं है गाइस, सॉरी। अच्छा ये ऊपर क्या कमरा बना रखा है क्या? हाँ कमरा बना रखा है ऊपर सामान रखने के लिए, तो ये मच्छर की जाली के सामान के लिए। हाँ यार इसमें तो बंदा सो जाता होगा अंदर आराम से, मूड नहीं है जवाब देने का, ठीक है। मेन क्या है इधर भी देख लो, एक जूस की दुकान है इधर भी है, पर हम लेते हैं इनसे है, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहे हैं। है ना, ये रीजन है बेसिकली। और बहुत टाइम बाद हम अपनी चुटकी खा रहे हैं, चुटकी
ये भाई लोग हैं भाई, बढ़िया से अपना शेक बना दो ठीक। एक वाचन लेकर आया हूँ अभी, कहीं से निकाला है मैंने। कहाँ से निकाला है भाई? भाई तुम जानते हो अपन हफ्ते में एक दिन हेल्दी शेक पीते हैं ना, जिसमें मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, है ना भाई? क्या क्या डाल रहे हो शेक में बता दो। ओरियो शेक बन रहा है, उसमें कुछ तुमने जड़ी बूटी डाली है, क्या डाली है? भाई ने कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है जो कि हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है? वो मतलब इनका सीक्रेट रेसिपी है, ठीक है? और अपने हफ्ते में एक दिन वाले शेक जरूर पीते हैं, तो आज यार वो दिन है सैटरडे, है ना? और पी के अपन चलेंगे अपने अड्डे पे। तुम लोगों को पता ही है अपना अड्डा कौन सा, जहाँ से प्लेन भी जाती है, ट्रेन भी है, गाड़ी भी है, कचरे भी है, ठुल्ले भी आते हैं। तेरी मनुष्य लगती है तब आते हैं। ये तो संतरा है ना, ये हमने खरीद लिया पहले बताया तो यार, जितने लोग बुरा मानने वाले हैं हम संतरे से कैचम कैच करने वाले हैं, इनके पैसे हमने दे दिए भाई को। आओ अब जरा कैचम कैच खेलते, स्पोर्ट्स प्लेयर तो अपन है ही ना, इसका नहीं पता, अपन छोटे मोटे हैं, ठीक है? आओ Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm backed up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much.